मध्य प्रदेश के सवाई माधोपुर की बात करते हैं, जहां बोली निवाई रोड पर जाम के चलते वाहन चालकों और यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। दरअसल मुख्य रोड पर अवैध बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से रोड जाम हो गया। अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ ग्रामीणों के विरोध के चलते लगभग 2 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही और वाहन चालक सहित यात्री बीच रास्ते में खासे परेशान दिखे। गांव में प्रोग्राम है, यहाँ ये ट्रॉली फंसी पड़ी है, हमें आने जाने नहीं दे रहे, बिल्कुल जाम लगा रखा है, स्थिति बिल्कुल जाम पड़ा है, बिल्कुल आने जाने का नहीं है, हमारे तो आगे प्रोग्राम लेट हो रहा है, 1.5-2 घंटे से फंसे हुए। प्रशासन को कब अवगत करवाया था? 1.5 घंटा हो गया, अभी तो कोई आया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है, बजरी की ट्रॉली आ रही जा रही है, कोई संभालने वाला नहीं, मेंटेन करने वाला नहीं है, यहाँ पे 1.5-2 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। क्या क्या किस कारण से जाम हुआ है? अच्छा, प्रशासन को क्या जानकारी दी गई है? प्रशासन को तो गाड़ी पे खड़ी है।